मसीह की प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु सहाय। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने आज ये सुंदर समय को दिया, एक सुंदर अवसर को दिया मेरे प्रिय भाई बहन, कि हम जीवित पाए जाते हैं, उस पवित्र परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ हम कर पाते हैं। हालेलुया। और आज के इस रविवार को हम एक खजूर रविवार के रूप में हम स्मरण करते हैं, पाम संडे के रूप में, आमेन। और हम उस दिन को याद करते हैं जिस दिन यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया और उस दिन कैसे भव्य रूप में उसका स्वागत किया गया। हालेलुया, हालेलुया। और ये हमारे लिए आनंद का समय है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे आपके बीच में है, आमेन, आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन को अगर हम पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 117 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद में तो लिखा है, हे जाति जाति के सब लोगों यहोवा की स्तुति करो, हे राज्य राज्य के सब लोगों उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है, यह की स्तुति करो लिखा है। परमेश्वर चाहता है कि हम स्तुति करें। जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, बाइबल बताती सब यरूशलेम वासी लोग आनंद के साथ में उसका स्वागत कर रहे थे, स्तुति करते हुए परमेश्वर का, यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गया, क्या छोटे क्या बड़े, हर व्यक्ति आनंद के साथ सिर्फ यीशु की महिमा गा रहे थे, उसकी बाट जो रहे थे। आज प्रभु हमसे चाहता है कि हम भी उसकी बाट जो है, प्रभु भी हमसे चाहता है कि हम भी उसकी स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए इस खड़ी मेरे प्रिय भाई बहन, हम सभी को अपने आँखों को हम बंद करेंगे और हम थोड़ी देर उस जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम उसके चरणों में आएंगे, उसकी हम तारीफ करेंगे। हर एक व्यक्ति अपने आँखों को एक क्षण बंद करें और हम धन्यवाद दें आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मेरे आसमानी बाप, मेरे खुदावन प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं, हम महिमा करते हैं, हम तारीफ करते हैं प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए सब मिलके थोड़ी देर धन्यवाद दीजिए प्रभु का, इतना सुंदर समय को दिया प्रभु कि आज हम उस परमेश्वर की महिमा कर पा रहे हैं, आज हम उस परमेश्वर की बड़ाई कर पा रहे हैं, उसके नाम की हम प्रशंसा कर पा रहे हैं। और वो सच में महान परमेश्वर है जो हमसे वो प्रेम करता और हमें अब तक संभाल के रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद, धन्यवाद मेरे स्वामी प्यारे परमेश्वर प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। ओ परमेश्वर हम तेरी बड़ाई करते हैं, ओ परमेश्वर हम तेरी जय जयकार करते हैं। तू पवित्र है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सामर्थ्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ तूने कहा यहोवा की स्तुति करो, हालेलुया। हाँ प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, हम तेरे चरणों में आते हैं, हम तेरे निकट आते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरे नाम की स्तुति हो, तेरे नाम की महिमा हो राजा। ग्लोरी, 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 ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ प्यारे पवित्र परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावन पिता, इतना सुंदर समय को दिया मेरे खुदा, हम धन्यवाद देते हैं, हम तेरी बड़ाई करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हम तेरी जय जयकार करते हैं। हालेलुया, रिखा बाराडाबा शबाराडाबा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे जीवित परमेश्वर, हालेलुया, मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, जीवन को रचने वाले, मैं तेरी आराधना करता हूं। आमेन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाकर प्रभु की हम महिमा करें, अपने हाथों को उठाकर प्रभु की प्रशंसा करें, उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। जीवन को रचने वाले, तेरी आराधना करता हूं। जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ। जीवन को रचने वाले, तेरी आराधना करता हूँ।
रचता हो, जीवन को रचने वाले तेरी आराधना करता हूँ। जीतने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हालेलुया होशना, सब कोई मिलके हालेलुया, हालेलुया होशना, लामा शबारा लबा, हालेलुया होशना, तेरी आराधना करते हम। हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, सबको मिलके गाए हालेलुया, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना, हालेलुया होशना। Worship
praise you, Lord. You are great, Jesus. ओ राजा प्यारे परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम सभी को तेरे पास में आते यीशु, हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूं। जीवन को रचने वाले यीशु, मैं तेरी आराधना करता हूं। महिमा से भरा हुआ तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। सच में प्रभु, तू तारीफ के योग्य है खुदावन पिता, तू प्रशंसा के योग्य है, तू महिमा के योग्य है। और हम सभी मिलके प्रभु तेरे ही सम्मुख में आते हैं और तेरी आराधना करते हैं। मेरे प्यारे परमेश्वर, तू पवित्र है मेरे खुदावन पिता, हमारे जीवन से तुझे महिमा मिलने पाए मेरे खुदावन पिता। प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे लिए खोलता हूं खुदा, ताकि हमारा जीवन तेरी महिमा करने वाला, तेरी स्तुति करने वाला, तेरी आदर करने वाला हो जाए मेरे खुदा। यहां पर जितने लोग मुझे इस घड़ी ऑनलाइन देख रहे प्रभु, जहां कहीं से भी देख रहे मुझे प्रभु, एक एक के जीवन में तेरी आशीष उतर जाए प्रभु, उसी तेरी सामर्थ उतरे मेरे खुदा। और आज एक एक से बात करना, हर एक की अगुवाई करना, हर एक को अपनी आत्मा से भर देना मेरे पिता। हम तेरा धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर कितना महान है। हालेलुया, हालेलुया। मैं शुरू में बता रहा था, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, किस रीति से लोग उसका स्वागत किए। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसका 7 पद को जब हम पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 21:7, तो वहां पर लिखा, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भी उसका होशन्ना गाना है। आमेन, हालेलुया। हमें भी उसके नाम की महिमा करना है। आमेन। सो आइए इस घड़ी हम भी आनंद के साथ हम गाएंगे, रब की होवे शन्ना हमेशा, रब की होवे शन्ना। आनंद के साथ हम प्रभु का स्वागत करेंगे अपने जीवन में, ताली बजा कर। आमेन। आइए हम गाएंगे, रब की होवे शन्ना हमेशा, रब की होवे शन्ना। आमेन। ताली बजाकर हालेलुया। आपके स्क्रीन पर ये सॉन्ग आप देखकर गा सकते हैं। मैं रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना हालेलुया, रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना, रब की होवे मदा सराई, रब की होवे मदा सराई, उसके नाम को सना, उसके नाम को सना हमेशा, रब की होवे शना हालेलुया, रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना, रब के घर में होवे सिताई। ताली बजा कर हालेलुया। रब के घर में होवे सिताई, रब के घर में होवे सिताई, उसकी हम दोषना, उसकी हम दोषना हमेशा, रब की होवे शना हालेलुया, रब की होवे शना हमेशा, रब की होवे शना, कामों में वह कैसा कार्य, उसकी कुदरत बता। आनंद के साथ प्रभु की महिमा करते हुए हालेलुया।
सगा दिल कामों में है वो कैसा कादिर उसकी कुदरत बता उसकी कुदरत बता हमेशा रब की होवे शना रब की होवे शना हमेशा रब की होवे शना जय के जोर से मुको नरसिंगे बरबत बीन बजा रब की हो मिशन आमेन जय के जोर से फूको नरसिंगे होवे शना हमेशा रब की होवे शना रब के होवे शना हमेशा रब की होवे शना हालेलुया रब के होवे शना हमेशा रब की होवे शना सारे मिलके ताली बजाओ गाओ रब की शना जाओ सारे मिलकर ताली बजाओ गाओ रब की शना गाओ रब की सना हमेशा रब की होवे शना हालेलुया रब की होवे शना हमेशा रब की होवे शना रब की हालेलुया 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 रब की होवे शना हमेशा रब की होवे शना हालेलुया हालेलुया आइए अपने हाथों को स्वर कर उठाएंगे इस घड़ी अपने हाथों को उठाएं एक क्षण और बोले प्रभु मैं तेरी होशना गाता हूं खुदा आइए प्रभु को बोले पिता मैं तेरे पास में आता हूं एक क्षण हर एक व्यक्ति अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करे और बोले पिता मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले मेरे जीवन से तुझे आदर मिले मेरे खुदावन पिता परमेश्वर मेरा जीवन प्रभु तेरा है मेरे खुदावन पिता हालेलुया 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 मैं भी होसन्ना गाता हूँ खुदा मैं भी प्रभु तेरे नाम को धन्य कहता हूँ क्योंकि तू उसके योग्य पाया जाता है रिखा रा लबा हूरा लबा मशा रा लबा शबा रा लबा हालेलुया 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 ओ धन्यवाद 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 ओ राजाओं का राजा सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर आइए बोले परमेश्वर मैं तेरी आराधना करता हूँ प्रभु मैं तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु मैं तेरी जय जयकार करता हूँ बोले परमेश्वर को पिता मेरे जीवन से जाने अनजाने में अगर कोई पाप हुआ अपराध हुआ है कोई गलती हुआ प्रभु मुझे छू और मुझे क्षमा कर और मुझे पवित्र कर अपनी आत्मा से मुझे भर अपनी शामत से मुझे भर अपने अनॉइंटिंग से मुझे भर दे मेरे स्वामी हो लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया
बोले अपने हाथों को उठाकर पिता मेरे जीवन को अपनी आत्मा से भर दे पिता, प्रभु मुझे अपनी असामर्थ से भर पिता, ताकि मैं तेरे अनुग्रह में, तेरे प्रेम में, तेरी सामर्थ में, तेरे अभिषेक में मैं बढ़ूं पिता परमेश्वर। मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले, मेरे जीवन प्रभु तेरा आदर करने वाला हो जाए। ओ लॉर्ड रिखाम बाबा 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 मामा 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 ओ लॉर्ड लोरी खबरा लामा हालेलुया 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 हा अपने हाथों को उठाकर अपने हाथों को उठाकर प्रभु की महिमा करते हुए थैंक यू जीसस जाकर परमेश्वर का धन्यवाद है। हालेलुया पूरा रा 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 बाबा 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 होली जीसस प्यारे परमेश्वर मेरा मैं धन्यवाद करता हूँ राजा। हालेलुया 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 प्यारे परमेश्वर प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, तेरी आराधना करता हूँ पिता, तेरी तारीफ करता हूँ प्यारे परमेश्वर। प्रभु अपनी परिस्थिति में हमारे के जीवन को लिए चल मेरे खुदा, ताकि हम तुझ में बढ़े, तेरे प्रेम में बढ़े, तेरी अनुग्रह में हम बढ़ने पाए प्रभु जी। हमारा जीवन प्रभु तेरी आत्मा से भरा हुआ हो पिता परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह कर। और इस घड़ी जितने लोग मुझे सुन रहे पिता, जितने लोग मुझे देख रहे मेरे खुदा, तेरी आशीष बहुतायत से एक एक के जीवन में होने पाए। खुदावंत पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे स्वामी प्यारे परमेश्वर। मैं तेरी आराधना करता हूँ प्यारे पिता, जब इस घड़ी हम तेरे वचन में से सुनते हैं, अपने वचन से बात करना और हमारे जीवन को अपनी आत्मा से भरकर प्रभु हमें उत्साहित करना मेरे खुदा, तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन 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 आमेन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। और आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे। आमेन हालेलुया। सच में प्रभु महान है। और आज के संडे को हम पाम संडे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। आमेन। और मैंने कहा कि हम यीशु मसीह का यरूशलेम में किस प्रकार से विजय प्रवेश हुआ उसको हम स्मरण करते हैं। और मैं उसी रिलेटेड आज कुछ वचनों को मैं बताना चाहता हूं आपको, ताकि आप अपने आप को उस परमेश्वर के लिए तैयार करने पाए। आमेन हालेलुया हालेलुया। सो याद रखें, प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 बजे चंगाई आराधना,
प्रत्येक शाम 7:30 बजे शनिवार के दिन में फास्टिंग प्रेयर होता है। आप जरूर आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़े, प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे संडे आराधना, आपके पास समय, आप सप्ताह के तीनों कार्यक्रमों में जुड़कर आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं और आत्मिक रूप में आगे बढ़ सकते हैं। आमेन, हालेलुया। सो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 12 पद से, जॉन चैप्टर 12:12। और यरूशलेम में यीशु मसीह का किस प्रकार से विजय प्रवेश हुआ, मैं उसी वचन से आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह आज हमारे जीवन में भी आना चाहता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 12:12, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 12 पद, जहां पर लिखता है परमेश्वर का वचन, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे या सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, हे शियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया। तब भीड़ के लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया है। यीशु मसीह यरूशलेम में जाने से पहले हम स्मरण करते हैं, हमें पता है किस प्रकार से लाजर को प्रभु यीशु मसीह जिंदा किया। ये वो लाजर जो 4 दिन का सड़ चुका था, मरने के बाद 4 दिन हो चुका था, लेकिन यीशु मसीह किस प्रकार से उस लाजर को जिंदा किया। और उसी के बाद में जब यीशु मसीह यरूशलेम को जा रहा है, लोग सुने, अरे यीशु मसीह आने वाला है, अरे वो यीशु मसीह जो बीमारों को चंगा करता है, जो हर समस्याओं का समाधान रखता है, जो हर मुसीबत में हमारी अगुवाई करता है, ये वो यीशु मसीह है जो मुर्दों को जिंदा करता है, वो हमारे मध्य में आ रहा है। लिखा लोग खजूर की डालियां और स्वागत करने के लिए जो कुछ भी उनके पास में था, बाइबल बताती, हालेलुया, होशन्ना गाकर यीशु मसीह का स्वागत कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह का भव्य रूप में स्वागत कर रहे हैं। कोई अपने कपड़ों को मार्ग में बिछा रहा है, कोई खजूर की डालियों को लेकर आ रहा है। खजूर की डाली के विषय में मैं लव्य व्यवस्था में मैं पढ़ा, जहां पर झोपड़ियों का पर्व जब होता था तो उस समय परमेश्वर ने कहा कि तुम क्या करना, खजूर की डाली, जैतून के पौधे और भी बहुत सारी चीजें के विषय में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर कहता है कि तुम उसे हिला हिला कर तुम उससे क्या करना, आनंद मनाना। खजूर की डाली एक प्रकार का आनंद को दर्शाता है, महिमा को दर्शाता है कि हमें उसकी महिमा करना। और इसलिए लिखा है लोग खजूर की डाली को लेकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बड़ा अच्छा गीत मुझे याद आता है और मैं सोचता हूं कि आपको भी ये गीत मालूम होगा। आइए हम सब मिलके उस गीत को हम लोग गाएंगे, ताली बजाकर आनंद के साथ गाएंगे और उसके बाद हम वचन में और हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खजूर की डाली पकड़ेंगे, जय हालेलुया, हालेलुया। इस ये वचन से रिलेटेड है और मैं इसी गीत के माध्यम से आपको वचन में आगे मैं बढ़ाना चाहता हूँ। खजूर की डाली पकड़ेंगे, आपके स्क्रीन पर भी ये सॉन्ग होगा, अगर आप नहीं जानते हैं आप मिलके गा सकते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। Hallelujah.
हजूर की डाली पकड़ेंगे जय हल्लेलुया, हजूर की डाली पकड़ेंगे जय जय हल्लेलुया, हजूर की डाली पकड़ेंगे जय हल्लेलुया, हजूर की डाली पकड़ेंगे जय जय हल्लेलुया। गीत नया हम गाएंगे जय हल्लेलुया, गीत नया हम गाएंगे जय जय हल्लेलुया, गीत नया हम गाएंगे जय हल्लेलुया, गीत नया हम गाएंगे जय जय हल्लेलुया। उजले वस्त्र पहनेंगे जय हल्लेलुया, उजले वस्त्र पहनेंगे जय हल्लेलुया, उजले वस्त्र पहनेंगे जय जय हल्लेलुया, उजले वस्त्र पहनेंगे जय हल्लेलुया, उजले वस्त्र पहनेंगे जय जय हल्लेलुया। होशाना हम गाएंगे जय हल्लेलुया, होशाना हम गाएंगे जय जय हल्लेलुया, होशाना हम गाएंगे जय हल्लेलुया, होशाना हम गाएंगे जय जय हल्लेलुया, होशाना हम गाएंगे जय हल्लेलुया, होशाना हम गाएंगे जय जय हल्लेलुया, खजूर की डाली पकड़ेंगे जय हल्लेलुया, खजूर की डाली पकड़ेंगे जय जय हल्लेलुया, खजूर की डाली पकड़ेंगे जय हल्लेलुया, खजूर की डाली पकड़ेंगे जय जय हल्लेलुया। Amen, hallelujah। हालेलुया, बहुत ही प्यारा ये गीत है, गीत नया हम गाएंगे जय हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रभु का होशाना गाना है, प्रभु की हमें स्तुति करना है। आमेन। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश तो किया, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि आज प्रभु यीशु मसीह हम और आपके जीवन में भी आना चाहता है। He want to come into our life। वो हमारे जीवन में आना चाहता है। Amen। Hallelujah। और मैं आज आपको बतलाना चाहता हूं, यरूशलेम में जब यीशु मसीह गया, लोग भव्य रूप में उसका स्वागत किए, आनंद के साथ उसका स्वागत किए, और आज प्रभु हम और आपके पास भी आता है, क्या हम उसका स्वागत करते हैं? मैं दो बातों को आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य है उसका 3:20, रेवलेशन चैप्टर 3:20, प्रकाशित वाक्य 3:20, रेवलेशन चैप्टर 3:20, जहां पर लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ लिखा है, खटखटाता हूं, जो को यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा मैं उसके यहां प्रवेश करूंगा। आज प्रभु हम और आपके पास में भी आना चाहता है, लेकिन क्या हम उसके लिए दरवाजा खोलते हैं? यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करा था, लोगों ने उसका स्वागत किया दिल खोल के, हालेलुया। क्या हम इस हृदय को खोलते हैं? दो प्रकार की बातों को मैं बताना चाहता हूं। पहला, इस हृदय रूपी घर का दरवाजा को खोलना, और दूसरा, हम जिस घर में रहते उस घर के दरवाजे को प्रभु के लिए खोलना। प्रभु हमारे जीवन में आना चाहता है, और अगर हम प्रभु का स्वागत हम अपने जीवन में नहीं करेंगे, हमारे लाइफ में कभी बदलाव नहीं आ सकता, सुधार नहीं आ सकता है। आप यीशु मसीह के विषय में अगर आप देखेंगे,
जहां पर यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश किया, यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद में बाइबल बताती वो यरूशलेम मंदिर को गया और वहां पर क्या देखा कि लोग जो है उस मंदिर के पास में व्यापार कर रहे थे, कोई कबूतर, कोई सराफा, कोई पीड़ा, नाना प्रकार की चीजों का लेन देन कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। और बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा इस बात को, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और लिखा सब चीजों को यीशु मसीह उलट फेर कर दिया वहां पर। आज प्रभु हमारे जीवन के रूपी, जीवन रूपी घर में, हमारे हृदय रूपी घर में आना चाहता है, और वह या हमारे जीवन में आकर हमारे अंदर में जो कुछ भी गड़बड़ी है, पाप है, बुराई है, नाना प्रकार का पाप का लेन देन है, उसको वो साफ करना चाहता है। आज प्रभु आपके घर में आना चाहता है ताकि आपका घर का जीवन, आपका पारिवारिक जीवन आशीषमय हो। क्या आप उसका स्वागत करने के लिए तैयार है? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। दो बातें, पहला हम जिस घर में रहते हैं उस घर में प्रभु का स्वागत करना, दूसरा हमारा हृदय रूपी घर। प्रभु कहता तुम्हारा देह परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। ये देह में प्रभु प्रवेश करना चाहता है। लोग पहली बात को देखेंगे, जिस घर में हम लोग रहते हैं उस घर के विषय में अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 127 अध्याय उसका पहला पद, साम चैप्टर 127 वर्स 1, भजन संहिता 127 अध्याय उसका पहला पद, साम चैप्टर 127 वर्स 1, जहां पर लिखा है यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। लिखा है अगर हमारे घर में प्रभु का उपस्थिति नहीं होगा तो हमारा हर वो परिश्रम जो हम करते हैं सब कुछ क्या होता जाएगा? व्यर्थ होता जाएगा। हम कुछ भी काम करेंगे उसमें सफलता हमें कभी नहीं मिल सकती है। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने घर को प्रार्थना का घर बनाना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना करना, संगति के रूप में प्रार्थना करना, आराधना करना हमारे घर में, हमारे के घर में होना बहुत ही आवश्यक है। यदि घर को यहोवा ना बनाए, मतलब अगर घर में प्रभु की उपस्थिति ना हो, अगर हम अपने घर में प्रभु का स्वागत नहीं करते हैं तो हमारा कोई भी काम सफल होने वाला नहीं है। बात बात में रुकावटें आ जाएगी, बात बात में नाना प्रकार की तकलीफें आ जाएगी। लोग बोलते हैं मेरे घर में आवाज आता है, मेरे घर में मुझे डर डर लगता है, मेरे घर में मुझे अजीब सा महसूस होता है, मेरे घर में कुछ अजीब सा दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस घर में प्रभु का स्वागत अभी तक नहीं हुआ है। अगर आप इस प्रकार की समस्या से होकर गुजर रहे हैं तो आज आपको दरकार है अपने घर में प्रभु का स्वागत करने का। हालेलुया, हालेलुया। अपने घर में प्रार्थना करें, अपने घर में संगति रखें। घर के विषय में और कुछ प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अगर आप मत्ती रची सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 11 पद से पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 11 टू ऑनवर्ड, मत्ती रची सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 11 पद से आगे, यीशु मसीह अपने चेलों को नियुक्त किया और चेलों को कहा कि तुम लोग क्या करो, घर घर जाओ। क्या बोलता है मत्ती 10 अध्याय उसका 11 पद से आगे, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 11 ऑनवर्ड लिखा है, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो, घर में प्रवेश करते हुए उसको क्या देना? आशीष देना। लिखा है आप जब आपके घर में परमेश्वर के लोग आएंगे, आपके घर में जब प्रार्थना होगा, सबसे पहली चीज आपके घर में आशीष आएगी। वो दरवाजे पे खड़ा हुआ प्रभु खटखटा रहा है। अगर आप अपने घर के दरवाजे को प्रभु के लिए आज खोल देते हैं, आपके जीवन में सबसे पहले आशीष आना शुरू होगी। और लिखा यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा। हालेलुया। कहने का मतलब है परमेश्वर का ब्लेसिंग घर और परिवार में बहुतायत से उतरेगा। इसलिए अपने घर के दरवाजे को हमेशा प्रार्थना के लिए खोले मेरे प्रिय भाई बहन।
हो सके आप ऐसी परिस्थिति में रहते हैं जहां आप अपने घर में प्रेयर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप किसी को नहीं बुला सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप पर्सनली प्रेयर आप कर सकते, आप करिए, व्यक्तिगत रूप में आप प्रेयर कर सकते, आप करिए। जब आप अपने घर में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, आशीषें आएगी, लिखा कल्याण आएगा। चेलों को कहा तुम जाओ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जानता था कि शैतान आज कई घरों को बांध रहा है, शैतान आज कई घरों को डैमेज कर रहा है हर रीति में, चाहे वो आर्थिक रूप में हो, चाहे वो पारिवारिक रूप में हो, हर क्षेत्र में शैतान आज लोगों के जीवन को डैमेज कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आना चाहता है ताकि आपके जीवन में सुधार आए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है ताकि आपका परिवार आशीषमय परिवार हो, आपका घर आशीषमय घर हो। हालेलुया। जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 46 पद से पढ़ते हैं, एक्स चैप्टर 2 verse 46 and 47, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 46 और 47 पद, एक्स चैप्टर 2 verse 46 and 47, यहां पर पत्रस जब यीशु मसीह के विषय में लोगों को प्रचार किया, लिखा है लोग उद्धार पाए, जो प्रभु को नहीं जानते थे वे लोग प्रभु के विषय में जब सुने, लिखा है वे उद्धार पाए, लगभग 3,000 लोग बपतिस्मा लिए, और बपतिस्म लेकर उन्होंने मालूम है क्या किया, उन्होंने घर घर जाना शुरू किया और घर घर जाकर एक दूसरे के साथ संगति रखना शुरू किया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है 46 और 47 पद में, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे और घर घर रोटी तोड़ते वे आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें क्या करता था, मिला देता था। मतलब लोग जब घरों में जाते थे लोग उद्धार पाते थे और जब उद्धार पाते थे वे भी उनके साथ मिलकर सेवा में आगे बढ़ते थे। जब तक प्रभु घर में नहीं होगा तब तक हमारा घर बदलने वाला नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे घर में जो कुछ भी घटनाएं घटती है वो खत्म होने वाला कभी नहीं है। इसीलिए जब आप प्रेयर करते हैं आप अपने घरों के लिए प्रार्थना करिए और बोलिए मेरे घर में प्रभु तेरा स्वागत है, तू आ प्रभु। हम अपने घर में हम हर चीज को रखते हैं लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं रखते हैं। बहुत सारे लोग क्रूस को रखते हैं और कुछ फोटोज को रखते हैं और सोचते हैं कि ये क्रूस को हम घर में रख लिए तो यीशु मसीह आ गया है। मेरे प्रिय भाई बहन, हाँ, क्रूस क्रिश्चियनिटी का एक प्रतीक के रूप में हम देखते हैं। क्रूस के द्वारा हम स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए उस क्रूस पे चढ़ा, लेकिन घर में क्रूस का होना ही काफी नहीं है। क्रूस का बस होने से ऐसा नहीं है कि शैतान आना बंद कर देगा। जब आप अपने घर को प्रार्थना का घर बनाएंगे, जब तक आप अपने सब परमेश्वर के सम्मुख में अपने आप को वो नतमस्तक नहीं करेंगे, घुटने नहीं टेकेंगे, आपके घर में कभी प्रभु आने वाला नहीं है। और प्रभु अगर नहीं आएगा गड़बड़ी होना घर परिवार में शुरू होगा, पारिवारिक जीवन में अंधकार की शक्ति का होना शुरू होगा। इसीलिए हमेशा याद रखें, हमेशा प्रयास करें कि आपके घर में प्रार्थना का माहौल होना जरूरी है। आप बनाएंगे अपने घर को प्रार्थना का घर, आपको बनाना है। आपको एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी मिला कि आप अपने घर को प्रार्थना का घर बनाए, क्योंकि प्रभु प्रवेश करना चाहता है, प्रभु प्रवेश करना चाहता है। मैं एक घर में जाता हूं और वो घर रांची में एक परिवार है। मैं जब फर्स्ट टाइम गया एक आंटी ने कहा कि आप मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करिए, मेरे बच्चे बस नशा करते हैं और यही कारण है कि बहुत निराशा हमारे घर परिवार में। मालूम है जब उस घर में प्रार्थना होना शुरू हुआ,
आज उस घर को आप जाके देखिए, नशे की आत्मा से उसके बच्चे आज छुटकारा पाए। बहुत बड़ा ब्लेसिंग आया, क्यों? क्योंकि उस घर में प्रभु आ गया। हालेलुया। जब तक जकई के घर में प्रभु नहीं गया था, जकई का जीवन नहीं बदला था, लेकिन जब यीशु मसीह जकई के से मिला, जकई को बोला कि मैं तेरे घर में जाना चाहता हूं, और जब जकई के घर में यीशु मसीह गया, यीशु मसीह कुछ बोलने का दरकार पड़ा क्या कि जकई तुम बहुत बड़ा गलती कर रहा है, जकई तुम ऐसा कर, कुछ नहीं बोला प्रभु। जकई के घर में बस यीशु मसीह प्रवेश ही किया, बाइबल बताती जकई खड़ा होकर बोलता है कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को मैं बांट देता हूं, जिसका अन्याय करके लिया है, लूटा है, मैं उसको चौगुना वापस कर देता हूं। देखिए, प्रभु जब आपके जीवन में आपके घर में आएगा, ऑटोमेटिक बदलाव होना शुरू होगा, आपका परिवार बदलना शुरू होगा। लेकिन प्रेयर नहीं करेंगे प्रभु कैसे आएगा? प्रार्थना ही है, वचन ही है जो प्रभु को हमारा आपके पास में लेकर आता, उसकी उपस्थिति को लेकर आता है। हालेलुया, हालेलुया। ये था वो घर जिस घर में रहते हैं। दूसरा, वो घर जिसके विषय में कहा प्रभु ने, ये मेरा मंदिर है, तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और परमेश्वर इस देह को भी तैयार देखना चाहता है। हमारा हृदय तैयार रहना चाहिए प्रभु के लिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 35 पद से जब हम पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 12 वर्स 35 ऑनवर्ड, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 35 पद से आगे, लूक चैप्टर 12 वर्स 35 ऑनवर्ड लिखा है, तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, ये वचन पूरा 35 पद से आप 40 पद तक आप पढ़िएगा, ये वचन भेद की बातें यहां पर लिखी गई है, भेद की बातें बताई गई है। प्रभु हमारे हृदय रूपी घर में, हमारे इस देह में जो पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें आना चाहता है, लेकिन उसमें आने के लिए हमको पहले जागृत रहना पड़ेगा। हम प्रेयर ही नहीं करेंगे और बोलेंगे प्रभु आजा हमारे जीवन में, कहां से आएगा? वचन ही नहीं पढ़ेंगे, बाइबल ही नहीं पढ़ेंगे, संगति नहीं रखेंगे, हमारे हृदय में कभी प्रभु नहीं आएगा, ना हमारे घर में आएगा, ना हमारे हृदय में आएगा। और हमारे हृदय में नहीं आया तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, और हमारे घर में नहीं आया तो हमारा पारिवारिक जीवन बेकार हो जाएगा। इसलिए मैं दो प्रकार के घर को विषय में मैं बता रहा हूं। यरूशलेम वासी यीशु मसीह का स्वागत किया, यीशु मसीह उस जगह में गया और यरूशलेम में सुधार करना शुरू किया। आज प्रभु आपके लाइफ में भी सुधार करना चाहता है। बहुत सारा पाप हमारे लाइफ में रहता है, प्रभु जब आएगा हमारे हृदय में, जब हम उसके लिए तैयार रहेंगे, जागृत रहेंगे कि मेरा परमेश्वर जब दरवाजा खटखटाए, मेरा स्वामी जब लौटेगा, और जब जैसे वो दरवाजा खटखटाए मैं तुरंत उसके लिए द्वार खोलूंगा। अगर आप इस रीति से प्रभु में जागृत हैं तो याद रखिए प्रभु आपके जीवन में जब आएगा आपका जीवन टोटली बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम 39 पद को पढ़ते 38 पद को पढ़ते तो लिखा है, यदि वह रात के दूसरे पार या तीसरे पार आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। हर समय से, हर प्रकार से बाइबल बताती तुम प्रार्थना में लगे रहो, तुम जागृत रहो, विश्वास में बने रहो, तब परमेश्वर हमारे हृदय में आएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भजन संहिता उसका 95 अध्याय उसका 8 पद को पढ़ेंगे, साम चैप्टर 95 वर्स 8, तो वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 95 अध्याय साम चैप्टर 95 वर्स 8 तो लिखा है, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। क्या हुआ था मस्सा और मरीबा में? कौन लोग थे वहां पर? मेरे प्रिय भाई बहन, इजरायली लोग क्या किए मालूम है? इजरायली लोग अपना हृदय को कठोर किए।
प्रभु कुछ और चाह रहा था, लेकिन इसराइली लोग कुछ और काम कर रहे थे। और यही कारण है कि 40 साल तक वह जंगल में ही भटकते रहे और ढेर हो गए। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आज हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहता है, वो हमारे हृदय में आना चाहता है। क्या आप अपने हृदय को कठोर किए हुए हैं या आप अपने हृदय को प्रभु के लिए खोल दिए हैं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रवेश करना चाहता है आपके जीवन में, इसलिए खोलिए अपने हृदय को, खोलिए आनंद के साथ। आप बोलिए, पिता मैं प्रेयर करता हूं, तो मेरे हृदय में आ। अपने आप को जब आप विश्वास योग्य व्यक्ति बना के रखिएगा, वो आपके मध्य में आएगा, वो आपके मध्य में आएगा, वो आपके जीवन में आएगा। अगर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहन, याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 8 पद, जेम्स चैप्टर 4:8, तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों, अपना हृदय को पवित्र करो, लिखा है। प्रभु चाहता है कि हम अपने घर को, जिस घर में रहते हैं उस घर को उसके लिए खोलें। प्रभु चाहता है कि हम अपने हृदय के दरवाजे को प्रभु के लिए खोलें, क्योंकि जब प्रभु प्रवेश करेगा, ऑटोमेटिक हमारा जो जीवन है उसका वातावरण चेंज होता चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि आपका घर परिवार बदले? क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले? प्रभु जब आपके घर में आएगा, जकई के समान बदलाव होना शुरू होगा। जब आपके हृदय में प्रभु आएगा, बाइबल बताती है कि मेरे प्रिय भाई बहन, आपका जीवन आत्मिक रूप में, आपके लाइफ में सुधार आना शुरू होगा। प्रभु आपके जीवन में आना चाहता है, प्रभु आपके घर में आना चाहता है। यरूशलेम वासी यीशु मसीह का भव्य रूप में स्वागत किए। आज अब हम और आपकी बारी है कि हम किस रूप में प्रभु का स्वागत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम किस रूप में, किस रीति से हम प्रभु का स्वागत करते हैं? आप हमेशा बाइबल पढ़ें, आप हमेशा संगति में रहें, आप हमेशा प्रार्थना में बने रहें, और जब आप ऐसा करेंगे, आप उस खुदा को अपने लाइफ में स्वागत कर रहे हैं। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु को बोलेंगे, पिता मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे परिवार में प्रभु तेरा स्वागत है। हालेलुया, हालेलुया। आ पवित्र आत्मा, आ तू अभी। हालेलुया, हालेलुया। रिखा बा रालामा सिखी रालाबा, ये तेरा घर है, ये तेरा घर है, ये तेरा घर है। रिखा रालामा मा शाखा रालाबा शबा रालाबा। अपनी आंखों को बंद करें, थोड़ी देर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और बोले, परमेश्वर पिता मैं तेरा स्वागत करता हूँ प्रभु। पिता मेरे घर में आओ प्रभु जी, मेरे जीवन में आओ प्रभु जी। पिता मेरे जीवन में तेरी जरूरत है प्रभु जी, मेरे घर में तेरी जरूरत है मेरे पिता। ओ प्यारे परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हैं, वो प्रभु प्रवेश करता है। जब हम अपने घर में उन चीजों को रखते हैं जो प्रभु की महिमा के लिए है, ओ प्रभु हमारे घर में आता है। हालेलुया, हालेलुया। रीखा बारा लामा माशी की रालाबा। प्रभु यरूशलेम मंदिर के समान हमारे आपके जीवन में भी सुधार को लाना चाहता है। यरूशलेम मंदिर में व्यापार हो रहा था, प्रभु ने सब चीजों को उलट फेर करके व्यापार के केंद्र को खत्म कर दिया। आज प्रभु हमारे जीवन में भी आकर इसी प्रकार से जो पाप का व्यापार है उसको दूर करना चाहता है और अपनी आशीषों को देना चाहता है। प्रभु को बोली, हाँ प्रभु मैं तैयार हूं, मेरे घर में आओ प्रभु, मेरे जीवन में आओ पिता परमेश्वर, ताकि मेरे लाइफ में सुधार हो प्रभु जी, मेरे घर में सुधार हो मेरे पिता। हो राला बाबा 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 मा 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 शिकी राला बा राला ला बा शबा। ये तेरा घर है, ये तेरा घर है। हो राला बाबा 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 मा मा शिकी राला बा शबा राला बा। प्रभु तेरा सामर्थ हमारे बीच में उतरने पाए। लॉर्ड ग्लोरी खा मा 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 शिकी रा ला 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 बा। लॉर्ड ग्लोरी खा मा 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 शिकी रा ला बा। अगर आपके पास कोई प्रे रिक्वेस्ट इस घड़ी कमेंट में आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन नहीं है, आप अपने हाथों को उठाकर थोड़ी देर प्रार्थना करें और बोले, पिता मैं तेरा स्वागत करता हूं,
मेरे मध्य में हो पिता, मेरे जीवन में आ मेरे पिता। ओला पवित्रात्मा तुआ भी हम है तैयार तू अभी ये है तेरा घर अब तू इस में अभी खराला बाबा 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 अपने हाथों को उठाए अपने हाथों को उठाकर इस गीत को गाए और बोले प्रभु तेरा स्वागत है तेरा स्वागत है तेरा स्वागत है मेरे जीवन में आ प्रभु मेरे घर में आ प्रभु मैं तेरा स्वागत करता हूं मेरे खुदा। हो रा ला बा 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 पवित्रात्मा तू अभी हम है तैयार तू अभी स्वागत करें अपने हाथ उठाकर तू हमारे बीच में आ शाम से तू बढ़ते मुझ में राज कर प्रभु हम तेरा स्वागत करते हैं जीवन श्रोता जो न सूखता तू मेरा सहायक है पूरा कर जग तू जीवन का पानी श्रोता जो न तू अभी हम है तैयार
जितने लोग प्रेयर रिक्वेस्ट लिख रहे हैं प्रभु अभिषेक कर रहा है श्री घड़ी रखा राला बाबा 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 तेरा प्रार्थना के साथ बोले प्रभु ये तेरा घर प्रभु मैं स्वागत करता हूँ वेलकम लॉर्ड वेलकम टू माय हार्ट लॉर्ड वेलकम टू माय हाउस लॉर्ड तेरा प्लीज कम हालेलुया उरा ला बा 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 शिकी रा ला ला बा शा बा रा ला प्रभु ये तेरा घर है पिता Holy Jesus, Uri ka ba 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 sha. Pura la ba 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 shikira la 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 ba sha ba. Oh, mere Khuda, main prarthna karta hu ek-ek ke jeevan ko main bless karta hu Khudavan. एक-एक के जीवन को तू अभिषेक कर पिता जो बीमार है कमजोर है दुर्बल है यीशु के नाम से उन्हें छू प्रभु और चंगाई दे सिगड़ी एक-एक के जीवन में आ और एक एक के जीवन में प्रभु अपनी आत्मा को नेल और सुधार दे पिता ताकि हमारा जीवन हर क्षेत्र में हम प्रभु अपने लाइफ में सुधार को देखें पिता बदलाव को देखें हम तेरी आत्मा से भर दिए जा मेरे खुदा मैं एक एक को मैं ब्लेस करता हूँ जितने लोग मुझे सुन रहे इसी घड़ी मुझे देख रहे इसी घड़ी यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ खुदा पिता मैं प्रेयर करता हूँ इनकी हर जरूरतों को प्रभु तू जानता है तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करेगा पिता हम विश्वास करते हैं मेरे पिता प्यारे परमेश्वर इस पाम संडे के अवसर पर प्यारे परमेश्वर हम आनंद मनाते हम सेलिब्रेट करते हैं खुदावंत पिता और प्रभु हम आनंद के साथ हम सब मिलकर तेरा स्वागत करते हैं हमारे मध्य में पिता हमारे जीवन में हमारे घर परिवार में प्रभु तेरा स्वागत है तू हो प्रभु ताकि पिता परमेश्वर हम तेरी उपस्थिति में अपने लाइफ में आनंद को महसूस करें हम तेरी उपस्थिति में होकर प्रभु अपने जीवन में बदलाव को देखने पाए पिता ऐसा अनुग्रह करना प्रभु हम धन्यवाद देते जितने प्रे रिक्वेस्ट प्रियों ने लिखा है एक एक निवेदन को ऊपर में दया और तरस खाना प्रभु और इन प्रियों को गवाही का जीवन देना इनका प्रे रिक्वेस्ट आशीषों से भर दिया जाए सुना जाए मेरे पिता और गवाही के लिए खड़ा करना एक एक को छू लेना मेरे पिता जब इस खड़ी हम तेरी महिमा के लिए भेंट चढ़ाते जितने प्रिय भाई बहन अपना दान दशमांश भेंट जो कुछ भी प्रभु इनको तू भारता है ये प्रिय लोग देते हैं मेरे खुदा हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु जी हर एक के देने के द्वारा बहुत ऐत की आशीष देना प्रभु तेरा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमेन 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 हालेलुया 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 सो परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे आमेन सो यह समय होगा कि हम प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे हालेलुया हालेलुया आपके स्क्रीन पर एक डिटेल आएगा गूगल पे फोन पे एंड बैंक का डिटेल क्यूआर कोड आपको जिसमें सुविधा होता है आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे सकते हैं अपना नाम जरूर आप लिखे सैटरडे के प्रेयर में उन प्रियों के लिए जो प्रभु की सेवकाई के लिए देते हैं इस आराधना को सपोर्ट करते उनका नाम लेकर प्रार्थना भी किया जाता है इसलिए जब आप देते अपना नाम आप लिख के दे सकते हैं प्रभु बहुत ऐत की आशीष देगा हालेलुया आपको जो कुछ भी प्रभु उभारता है आप विश्वास के साथ अपना भेंट आप प्रभु के लिए दे परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा हालेलुया और आप जो कुछ देते हैं ये हमारी ऑनलाइन आराधना में जो कुछ भी खर्च होती है साथ ही साथ अलग अलग जगहों में हाउस विजिटिंग आराधना जो कुछ भी होता है उन सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है इसलिए विश्वास के साथ आप दे परमेश्वर आप सबों को ब्लेस करेगा हालेलुया हालेलुया सो पाम संडे और हम इसी स्पेशल एक सॉन्ग को सादरी में बड़ा अच्छा प्यारा ये गीत है खजूर फहराते ओढ़ना पसारते जय जय दाऊद के पुत्र को हालेलुया इस गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाते हम गाएंगे आमेन हालेलुया ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे और प्रभु की महिमा के लिए भेंट चढ़ाएंगे खजूर फहराते ओढ़ना पसारते खजूर फहराते ओढ़ना पसारते जय जय दाऊद के पुत्र को
खजूर फहराते ओढ़ना पसारते। प्रभु यीशु प्रवेश करता है, यरूशलेम वासी पुकारते आमेन। प्रभु यीशु प्रवेश करता है, प्रभु यीशु प्रवेश करता है, यरूशलेम वासी पुकारते कदूर फहराते ओढ़ना पसारते, कदूर फहराते ओढ़ना पसारते। जय जय दाऊद के पुत्र को कदूर फहराते ओढ़ना पसारते। आपके स्क्रीन में जो डिटेल है आप उसके माध्यम से दे सकते हैं, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु के नाम से धन्य जो आता है। प्रभु के नाम से धन्य जो आता है, प्रभु के नाम से धन्य जो आता है, आज मन में गूंजती कदूर फहराते ओढ़ना पसारते, कदूर फहराते ओढ़ना पसारते। जय जय दाऊद के पुत्र को कदूर फहराते ओढ़ना पसारते। दाऊद संतान है संसार का राजा, यीशु रा है सच्चाई और जीवन। संतान है संसार का राजा, दाऊद संतान है संसार का राजा, यीशु रा है सच्चाई और जीवन, कदूर फहराते ओढ़ना पसारते, कदूर फहराते ओढ़ना पसारते। जय जय दाऊद पुत्र को कदूर फहराते ओढ़ना पसारते, ओ कदूर फहराते ओढ़ना पसारते, कदूर फहराते ओढ़ना पसारते। जय जय दाऊद के पुत्र को कदूर फहराते ओढ़ना पसारते। Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. 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 धन्यवाद देते हैं मेरे खुदावंत प्यारे परमेश्वर प्रभु आज की आराधना के लिए पिता, कि तूने अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य में दिया। तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर। फिर एक बार जितने प्रिय भाई बहन मुझे लाइव देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, खुदा मैं प्रेयर करता हूं इनकी ज़रूरतों को तू स्वर्गीय भंडार से पूरा करना प्रभु। पिता अपनी उपस्थिति में इन प्रियों को लिए चलना और इनकी हर एक कमजोरी दुर्बलता बीमारी तकलीफ समस्याओं को प्रभु दूर करना और होने देना कि प्रिय लोग और आगे बढ़े, आत्मा में बढ़े, तेरी सामर्थ्य में बढ़ने पाए। खुदा मैं प्रेयर करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्यारे परमेश्वर, एक एक के जीवन के लिए उद्धार का जीवन दे, छुटकारा का जीवन दे मेरे पिता एक एक को प्रभु। और जितने प्रिय लोगों ने तेरी महिमा के लिए अपना दान दशवांश भेंट जो कुछ भी तूने उभारा प्रभु और प्रिय लोग विश्वास के साथ में दिए हैं, हर एक के भंडार को प्रभु तू भरा पूरा रखना, कमी घटी को परमेश्वर तू पूरा करना प्रभु। धन्यवाद देते आज की आराधना के लिए, सारे बातों के लिए, सारे आशीषों के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषे मिलती है तुझसे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों के सोते धन्यवाद। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और परमेश्वर पिता का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे। आमेन 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 आमेन, हालेलुया हालेलुया। सो परमेश्वर हर एक प्रिय भाई बहनों को ब्लेस करे। मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ और आप सबों को फिर से प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु मसीह, गॉड ब्लेस यू। याद रखे आप प्रत्येक बुधवार शाम 7:30 चंगाई आराधना में जरूर शामिल होवे, शनिवार शाम 7:30 फास्टिंग प्रेयर में शामिल हो और प्रभु के नाम की महिमा करें। हालेलुया, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष देगा। हालेलुया, सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐत की आशीष दे इस पाम संडे के अवसर पर। धन्यवाद।